हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म ट्वेंटी आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर एक फरवरी दो हजार इक्कीस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो जॉइन बटन क्वेश्चन नंबर वन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यू एन डब्ल्यू टी यू है ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी दर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इज ऑप्शन ए एंड टू ओडली स्टेटमेंट थ्री गलत है एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों दोस्तों यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो नाम ही यूनाइटेड नेशंस है तो इसमें कोई डाउट नहीं है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन दैट works इन the domain द tourism. ऑफ टूरिज्म तो बेसिकली नाम ही टूरिज्म ही है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये डोमेन ऑफ टूरिज्म में ही काम करता है इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ यू एन डब्ल्यू टी ओ इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव वैसे इसका फाउंडेशन हुआ था नाइनटीन फोर में तो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में ही इंडिया मेंबर बन गया नोडल एजेंसी इन इंडिया दैट वर्क्स विद यू एन डब्ल्यू कौन सा होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हंड्रेड परसेंट क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ही कनेक्शन देगा यू एन डब्ल्यू टू लीड द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर तो ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर वर्ल्ड टूरिज्म डे है जो यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं इन टू थाउजेंड नाइनटीन न्यू डेली वॉज सेलेक्टेड फॉर द होस्टिंग ऑफ सेलेशन से तो बेसिकली इंडिया भी एक बार होस्ट किया वर्ल्ड टूरिज्म डे का सेलिब्रेशन वो टू थाउजेंड नाइनटीन में था तब का थीम टूरिज्म एंड जॉब्स ये बेटर फ्यूचर फॉर ऑल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पुराना हो गया यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड टूरज्म थ्री टाइम्स देखो दोस्तों साल में तीन बार वर्ल्ड टूरिज्म आगे निकलता है जो लेटेस्ट निकला था ना अब तो कोविड नाइन्टीन वजह से टूरिज्म पूरा डाउन है तो लेटेस्ट जब निकला था मेरे हिसाब से फ्रांस था टॉप वन में बहुत सारे कंट्रीज़ है यूरोपियन कंट्रीज़ है अमेरिकन कंट्रीज़ है इंडिया टॉप टेन में तो है ही नहीं दोस्तों अब हमारा स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट वन क्या कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन फाउंडीन सेवन फोर एंडक्वार्टड इज एट मैड्रेड स्पेन बिल्कुल सही है दोस्तों यू एन डब्ल्यू टू का हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है स्पेन में है वो एंड फाउंडेशन नाइनटीन सेवेंटी फोर में बिल्कुल सही है इंडिया बिकम ए मेबर इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव बिल्कुल सही एज पर द वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग सेगमेंट यू एन डब्लू टी ओ इंडिया इज अमंग द टॉप टेन कंट्रीज ये गलत है दोस्तों इंडिया टॉप टेन में नहीं है क्वेश्चन नंबर टू रीसेंटली उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनो फॉर कन्वर्शन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉज इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नवदायन सीरीस ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली स्टेटमेंट थ्री गलत है रिसेंटली उत्तर प्रदेश प्रोविशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्स ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस तो बेसिकली दोस्तों 2020 में इस तरह के ऑर्डिनेंस आया था जो अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन को रोकता है सिमिलर ऑर्डिनेंस या लॉस कई सारे स्टेट्स में भी आ चुका है जैसे मध्य प्रदेश कर्नाटका जैसे स्टेट्स में उत्तराखंड में देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स में क्या कह रहा है आर्टिकल टू वन थ्री के बारे में एक स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है क्योंकि आर्टिकल टू वन थ्री एमपावर्स द गवर्नर टू प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस कब गवर्नर प्रमुलगेट करता है जब लेजिस्लेटर जो है रजस में होता है रजस मतलब कोई सेशन अगर नहीं चल रहा है दो सेशन के बीच में जो गैप होता है तब कोई इमीडिएट नेचर का अर्जेंट नेचर का बात आ गया जिसमें लॉ बनाना है तब गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करता है तो आर्टिकल टू वन थ्री बिल्कुल सही है दोस्तों स्टेटमेंट टू क्या कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एग्जामिन बिल्स पास बाई स्टेट असेंबलीज आर असेंबलीजेंट विद सेंट्रल लॉज बिफोर दे गेट द प्रेजेंट्स असेंट टू बिकम कमेड लो तो नॉर्मली दोस्तों स्टेट से कोई बिल पास होकर आता है या ऑर्डिनेंस आता है सबसे पहले वो पहुंचता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद वो भेजता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना दोस्तों वो एक इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन रखता है मतलब वो बिल को पूरा चेक करता है ये चेक करता है कि सेंटर की कोई लॉ से कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है ठीक है ये सब चेक करता हूं तो ये तो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तीसरा क्या है नो बिल्स और ऑर्डिनेस पास फ्रॉम स्टेट्स हैज बीन विथल बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री टिल नो बिल्कुल गलत है दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल से एक रीजेंट एग्जाम्पल मैं आपके लिए कोट करूंगा अभी दोस्तों देखो हमारे एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक तो आर्टिकल टू वन थ्री के बारे में लिखा है जो मैंने अभी बोला देखो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एग्जामिन बिल्स पास आर स्टेट्ल विद सेंट्रल बिफोर द सेंट्रॉज दस बिल्कुल सही है मैंने अभी भी बोला है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एग्जामिन करता है स्टेट का बिल जब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए आता है इससे पहले MHA जो है एग्जामिन करता है सेंड बिल्स फॉर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन बिफोर गेट द एन नो प्रेज नोट ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में एम एच ए बिल्कुल एग्जामिन करते हैं देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा वेन इट हैज रेपेन्सी विद द सेंट्रल लॉस सेंट्रल लॉस से कुछ प्रॉब्लम है मतलब सेंटर ने ऑलरेडी एक लॉ पास हो गया पास किया है उससे क्वॉन्टेडिटी तो नहीं है ये स्टेट लॉ ये चेक करता है ठीक है डिविएट फ्रॉम नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी मतलब सेंट्रल पॉलिसी से डिविएट तो नहीं कर रहा है स्टेट लॉ ऐसा नहीं है कि स्टेट में कुछ और पार्टी रूलिंग में है और वो सेंटर की पॉलिसी से अलग कुछ लॉ बना के भेज रहा है बिल बना के भेज रहा है ये भी चेक करेगा एंड वेन इट कैन बी चैलेंज फॉर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चेक करते हैं एमएचए

क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया वन एंड टू फॉलोइंग द्वस रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज इन विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा तो दोस्तों इसके बारे में एक न्यूज आया था ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखो दोस्तों स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है इट टिपिकली डस नॉट एक्सिस्ट इन फिजिकल फॉर्म लाइक पेपर मनी एंड इज टिपिकली नॉट इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसीजी जो है पेपर मनी नहीं होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो इट डस नॉट एक्सिस्टिंग एनी फिजिकल फॉर्म बिल्कुल सही है एंड इज टिपिकली नॉट इश्यूड बाई सेंट्रल अथॉरिटी ये क्रिप्टो करेंसीज का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जैसे हमारा रूपी है उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यूएस डॉलर के लिए अपना फेडरल रिसोर्स सिस्टम है तो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो ये स्टेटमेंट बन बिल्कुल सही हो जाता है स्टेटमेंट टू क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज बैंड ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज विद जेल टेम टू टेन ईयर्स एंड हैवी फाइंस फॉर एनवन डीलिंग इन डिजिटल करेंसीज ये गलत है दोस्तों एक्चुअली टू में गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्लानिंग किया था पर अभी तक वो लागू नहीं हुआ है तो ये जो स्टेटमेंट अभी के लिए गलत है टरी अप्रूवल फॉर क्रिप्टो करेंसी भी गलत है दोस्तों हैरबीए कोई अप्रूवल नहीं दिया है के लिए ऊपर से ये इसको बैन करने का प्लान कर रहा है स्टेटमेंट्स में वाई लिखा है दोस्तों मैंने अभी बोला पढ़ सकते हो आप लोग तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वन ओनली क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पाइस प्रोडक्शन इन इंडिया विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ आंसर इज ऑप्शन सी टू वन थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों स्पाइसेस बोर्ड के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 26 फरवरी 1987 अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 ठीक है तो 1987 में स्पाइसेस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इंडिया वैसे भी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है स्पाइसेस बोर्ड इज वन ऑफ द फाइव कम्यूडिटी बोर्ड्स फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे आता है स्पाइसेस बोर्ड जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ फिफ्टी टू शेड्यूल स्पाइस एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डम तो फिफ्टी टू शेड्यूल्ड स्पाइस है एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम कार्डम एंड स्पाइसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा स्पाइसेस बोर्ड आप मुझे यह बताइए स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ इंडिया में विद एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ ओवर थ्री बिलियन मेट्रिक मिलियन मेट्रिक टन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस अक्रॉस इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो मध्य प्रदेश भी स्पाइसेस के लिए वैसे फेमस है 2020 का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश था दोस्तों ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना मध्य प्रदेश कभी आंध्र प्रदेश कभी राजस्थान चेंज होता रहता है एग्जामिनेशन से पहले आपको इसका करेक्ट नॉलेज लेना जरूरी है ठीक है तो 2020 के लिए तो मध्य प्रदेश था देखो कंट्रीज टोटल स्पाइस प्रोडक्शन वॉज एस्टिमेटेड टू तो बी नाइन मिलियन मेट्रिक टन द सेम ईयर तो करीब दस मिलियन मेट्रिक टन है इंडिया का स्पाइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा है लार्जेस्ट प्रोड्यूस स्पाइस इन इंडिया इज चिल्ली फॉलोड बाई टर्मरिक एंड गार्लिक तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड स्पाइस जो है वो चिलीज है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेड ड्राई चिली इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेड ड्राई चिली इंडिया है इंडिया दुनिया का सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर है गार्लिक का ठीक है आफ्टर चाइना तो हमारा स्टेटमेंट में चलता है स्टेटमेंट वन जो है क्या लिखा है स्पाइस बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखा है बिल्कुल गलत है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया बिल्कुल सही लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड स्पाइस इन इंडिया चिलीज बिल्कुल सही फॉलोड बाई टर्मरिक एंड गार्लिक क्वेश्चन फॉलोइंग एज टाइगर तो चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आया था दोस्तों लैंडस्केप्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया करके ठीक है ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया था इसमें लिखा था इंडिया का पांच टाइगर लैंडस्केप कौन कौन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा नोट्स भी बना के रखिएगा देखो इंडिया का पांच टाइगर लैंडस्केप कौन कौन सा है पहला है शिवालिक हिल्स एंड दूसरा है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न ईस्टर्नग्स तीसरा है वेस्टर्न वेस्टर्नग्स फिर है नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द सुंदर प्लेट तो ये पांच जो है टाइगर का लैंडस्केप है बाकी जितना भी लिखा है पढ़ लीजिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट तो यही है टाइगर लैंडस्केप इंडिया में पांच है ये ध्यान दीजिएगा तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो दोस्तों हमारे डेली फाइव मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म खत्म हो रहा है कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज नॉट फॉलोड बाय द नेम ऑफ इन्वेंटर और इट इज हुई आफ्टर आंसर इज ऑप्शन डी ग्रेनेड होर्लिक्स एक डैटरी सप्लीमेंट है जो इन्वेंट किया उनका नाम होर्लिक्स था सेकेंड है मेवे जो पायलट पहनते हैं एयरक्राफ्ट में जो मेवस इन्वेंट किया उनका नाम मेवे था सैंडविच नाम आया ड्यूक ऑफ सैंडविच के बाद एक ड्यूक था ड्यूक ऑफ सैंडविच करके उनके नाम के बाद ही सैंडविच को सैंडविच नाम मिला ऑप्शन डी ग्रेनेड कुछ नहीं है आपको पता ही है ग्रेनेड क्या है आज का क्वेश्चन देख लीजिए विज ऑफ दी फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाई एयर इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म कर रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे से वीडियो अगर पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट किए बिना मत जाइएगा लेक्चर का पीडीएफ पीडियोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाई है नाइस